नमस्कार टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी जहां से भी देख रहा है बताइए, जम्मू में इस समय काफ़ी तेज़ तूफान चल रहा है और कोई पता नहीं कौन सी चीज़ कहां से आपके ऊपर आकर गिर पड़े, ध्यान रखिएगा। और देखिए आप देख रहे हैं पेड़ पौधे इस समय कितनी बुरी तरह से, यानी पूरी तरह से आप देखिए आसमान पर बादल छाए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये तूफ़ान बड़ी ज़ोरों से आ रहा है, काफ़ी देर से ये तूफ़ान शुरू हुआ, बारिश तो नहीं है पर हाँ तूफ़ान अपना जो है पूरा रूप प्रचंड रूप दिखा रहा है। और घरों से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, कोई पता नहीं कौन चीज़ जो है कहाँ से उड़कर आकर आपके ऊपर पड़ जाए। और सुन रहे होंगे आप आवाज़ें, और जहाँ जहाँ भी लोग हमें जो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से, यानी क्या आपके एरिया में भी इस तरह का तूफ़ान है। अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार आप देख रहे हैं और शहरों से भी आप देख रहे हैं लोग जो घरों के अंदर भाग रहे हैं, लोग घरों के अंदर भाग रहे हैं क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं भीषण जो तूफ़ान का जो इस समय आप रूप देख रहे हैं। और घरों के लोगों के छतों से जो चीज़ें नीचे गिर रही हैं और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, खास करके टू व्हीलर जो लोग हैं इस समय बाहर जो यानी कि सफ़र करने से बचे। और देखिए पेड़ पौधे जो हैं वो किस तरह से बादल चढ़े हुए हैं क्योंकि गर्मी तो काफ़ी थी। आज भी अगर बात करें तो आज भी टेम्परेचर अपना प्रचंड रूप दिखाए हुए था और काफ़ी गर्मी से इस मौसम में राहत थोड़ी सी ठंडक तो मिली है, पर वहीं पर तूफान से कोई नुकसान ना हो क्योंकि तूफान पीछे से आता है, बिजली पहले ही बंद हो गई है। और आपके एरिया में भी अगर बिजली बंद हुई है या आपके एरिया में भी तूफान, आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। फिलहाल ये दृश्य जो हम बता रहे हैं आपको, देखिए किस तरह से मोबाइल पकड़ा वो भी हाथ से गिर गिर कर जा रहा है, यानी इतनी तेज़ जो हवा आ रही है। और आपके किस किस एरिया में, आपके एरिया में भी अगर इस तरह का तूफ़ान है तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो फिलहाल ये बता रहे हैं अभी मौसम थोड़ा क्लाउडी हुआ है, बादल छाए हैं पर हवा से शायद बादल उड़ जाएंगे, थोड़ी बारिश अगर हो जाती तो काफ़ी राहत मिलती जम्मू वासियों को। जिस तरह से लगातार आज जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो काफ़ी टेम्परेचर था, लोगों का चलना मुहाल हो गया था, पर अभी जो ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, हवाएँ ये भी कहेंगे हवाएँ नहीं बल्कि तूफ़ान चल रहा है, काफ़ी तेज़ तूफ़ान चल रहा है। और देख रहे हैं पेड़ पौधे किस तरह से, और ख़ास करके अब जिस पेड़ों पे जो फल लगे हैं जैसे लीची लगी है, आलू बुखारा लगा है, या बात करें हम जैसे कि आम लगे हैं, काफ़ी कच्चे आम गिरे होंगे। और जब हम बचपन में होते थे, आप होते थे, हम भी ऐसे करते हैं। अच्छा जानीपुर में भी बुरा हाल है, बिल्कुल हमारा सामान जो छतों से गिर रहा है, कोई पता नहीं पानी की टंकियाँ उनसे ढक्कन उड़ के भाग गिर गए हैं कहीं, और काफ़ी नुकसान लोगों का हो रहा है, लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, कोई ऊपर से चीज़ें गिर रही हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदेह इस तरह का तूफ़ान होता है। बारिश हो जाए तो बेटर रहती है, पर यही कहेंगे जो फलदार पेड़ है जैसे देखिए आम का पेड़ है, और ये हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है कैमरामैन वो भी बता रहे थे अभी कॉल फ़ोन कॉल पर कि जहाँ पर उनका घर है मीरा साहब में, कहते हैं उन्होंने पेड़ था उनके खेत में, वो सारे आम कच्चे आम टूट कर नीचे ढेर लग गया हुआ है, यानी नुकसान हो जाता है, जो फलों का नुकसान आता है खास करके जिन लोगों की फल लगा कर लोग जो होते हैं अपना गुजर बसर करते हैं तो उनका नुकसान काफ़ी होता है जो बाज़ारों में बेचते हैं। तो ये देखिए रजनी जी कैसे, रजनी महन माता रानी की भगत हैं ये, और जो जो भी हमें देख रहे हैं बताइएगा ज़रूर कहाँ कहाँ किस किस एरिया में क्या। ये देखिए तूफान, हमें भी डर लग रहा है कोई ऊपर से कोई चीज़ ना गिर गई। आप लोग भी घरों पर छतों पर मत चढ़िए सबसे पहले बात है, क्योंकि छतों पर ये ना हो कि कोई चीज़ गिर पड़े आपके ऊपर और आपको नुकसान हो, आपका आपको कहीं लग जाए। और जो टू व्हीलर वाले लोग हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, कहीं भी रुक जाइए मत चलाइए क्योंकि इतनी तेज़ हवा है, किसी कहीं आप गिर सकते हैं, इस तेज़ हवा के कारण आप गिर सकते हैं। और देखिए, और जब आप टू व्हीलर चलाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हिल रही गाड़ी, लगता है गिर जाएगी। हम खड़े हैं तो हमारे से भी बिल्कुल, डोडा में भी बिल्कुल बहुत बुरा तूफान आ रहा है, यानी काफ़ी तेज़ तूफान आ रहा है। मोबाइल पकड़ा ना हमने तो मोबाइल भी ये गिर रहा है हमसे, हमारे हाथों से छूट रहा है, इतनी तेज़ हवाएं आ रही है। और अगर बात करें खेत खलियानों की तो बात ही छोड़िए, तो जहाँ जहाँ लोगों के घरों में फल फूल के पेड़ लगे हैं, फल पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, वहाँ तो बुरी हालत है, खास करके वो लोग जो लोग बागीचों में जिनके फल फ्रूट लगे हैं उनकी तो हालत ही बुरी होगी। तो ये समय आप देख रहे हैं जो दृश्य हम बता रहे हैं आपको, फिलहाल ये बादल छाए हुए हैं पर साथ ही साथ तूफान भी लेकर आए हैं, और ये तूफान काफ़ी देर से लगातार चल रहा है। ये देखिए, और डर भी लग रहा है कि खड़े हैं, जैसे आप लोग भी कहीं जा रहे होंगे ध्यान पे रखिएगा, फिलहाल घरों से बाहर ना निकलिएगा।
एक काफ़ी तेज़ तूफान है जो कहीं ना कहीं, देखिए चीज़ें जो छतों से नीचे गिर रही हैं, चीज़ें जो हैं छतों से नीचे गिरकर आ रही हैं, काफ़ी यानी कि तेज़ धार, तेज़ कहेंगे तेज़ गति से तूफान आ रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और जहाँ जहाँ पर गांधीनगर में भी बिल्कुल बिल्कुल राकेश भगत जी, हर जगह पर तूफान काफ़ी है। अब देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं ना, ऊपर से सामान कैसे गिर रहा है, लोगों के घरों के छत का सामान पूरा हर जगह मिट्टी कचरा हो गया सारा। पर यह है कि कहीं भगवान ना करे किसी का नुकसान हो, कोई जानी नुकसान हो, क्योंकि इस तरह के तूफान जो है काफ़ी भयंकर तूफान होते हैं जो बड़ी घटना हो जाती है। तो इसीलिए हम जनता से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी घरों की छतों पर खस करके ना चढ़िए, कि आगे पीछे कोई चीज़ हो या तारे हो, कहीं वायर हो। और ये ज़रूर है हमारे खासियत है, तूफान तेज़ ही है, पर ये भगवान करे कि लाइट जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि जब भी ऐसा माहौल होता है सबसे पहले लाइट जम्मू में, जम्मू वालों को लाइट बंद मिलती है, थोड़ी सी हवा भी चले तो बस जी चलिए PDD विभाग को खतरा हो जाता है और फटाफट लाइट बंद करते। सतवारी में भी जी कुलवंत जी, शेर बट कूल से नुकसान का अभी कोई पता नहीं है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला ना करे, बताना चाहेंगे आपको शेर बट जी कि कोई नुकसान हो। बिल्कुल पूनम, पूनम मेरी सिस्टर है, पूनम शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट है। पूनम जी बिल्कुल आपने, मैं भी वही कह रही हूँ कि लाइट नहीं अब आने वाली, यानी थोड़ी सी आवाज़ चलेगी फिर सोचो कि लाइट का, आप सोच लो कहीं कहीं घंटे लाइट बंद रहेगी, ये देखिए। और लाइट यही शो यही कहेंगे तो जब भी हमें भुगतान करना पड़ता है, ये तो चलो तूफान है, जब थोड़ी सी भी तो हवा चले तो लाइट पहले ही बंद हो जाती है, पहले इनको आगमन हो जाता है कि लाइट ही बंद करनी है सबसे पहले। चलिए हम यही प्रार्थना करेंगे आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखिएगा इस समय, आप घरों से बाहर ना निकलिए जबकि मौसम ख़राब है। बिल्कुल जम्मू के अलग अलग खित्तों में, जम्मू में पूरा अलग अलग लोग जो है यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर रहे हैं कमेंट कि अलग अलग एरिया में आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। इतनी ज़ोरदार हवा चल रही है, इतना तेज़ तूफान चल रहा है, आप लोग घरों से बाहर फिलहाल ना निकलिए, खास करके 2-व्हीलर पर, 4-व्हीलर पर भी मत निकलिए, कोई हादसा होने का अंदेशा रहता है। आप लोग बड़ी बिल्कुल बड़ी ब्राह्मणा में भी लाइट ऑफ है दी, बिल्कुल सपना जी, सपना शर्मा जी बड़ी ब्राह्मणा में क्या, रिहाड़ी जानीपुर हर जगह से देखेंगे आप तूफान आना, पहले पीछे से आता है और पहले लाइट ऑफ हो जाती है, ये हमारा शुरू से हम लोग भुगतान कर रहे हैं, परेशानी हो जाती है कि लाइट हो। चलिए हम ये प्रार्थना करते हैं आप सब जहाँ भी हो सुरक्षित हो, और कोशिश कीजिए अपने घरों की छतों पर, गलियों में खड़े मत होइए, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से कोई चीज़ आकर आपके ऊपर गिरे, क्यों आप नुकसान हो सकता है और आपकी जान पर बनाएगी। तो इसीलिए 2-व्हीलर्स वाले खास करके थोड़ी देर के लिए वेट करें, जब तूफान रुक जाता फिर आप निकलेगा, काम तो करने हैं फिर भी अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आपका क्या कहना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को साथ शेयर भी कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। और कल का दिन है जम्मू वासियों के लिए, बड़ा ही खुशी का दिन है, कल लोकतंत्र के पर्व का जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप लोगों ने जिस जिसको वोट दिया होगा कल उसी का रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए सबको, जितने भी नेता सबको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।